कुछ रीजन की वजह से उनकी जो फ्लाइट है वो अब हो गई तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि सुनीता विलियम के साथ और जो बोइंग स्टार लाइनर है उसकी सारी कहानी क्या है एंड तीसरी बार जो स्पेस जाने वाले थे तो अब आगे उसके क्या डिसीजन लिए गए सो लॉन्ग अवेटेड फर्स्ट क्रिड टेस्ट फ्लाइट जो की थी बोइंग्स की नया स्टार लाइनर स्पेस कैप्सूल की करेक्ट सो so, ये yes, पहली बार इनका कोई क्रू मिशन जाने वाला था आई एस में जाता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जा रहा था लेकिन जैसे जब वो लिफ्ट होना था उसी से 90 मिनट पहले उसको अबॉर्ट कर दिया गया करेक्ट सो द द टू टू एन इशू इशू विद आया दैट इज इन स्टेज करेक्ट एंड ये जब लाइव मतलब नासा के जो नासा वेबकास्ट कर रहा था उसी के अंदर उसमें भी अनाउंस किया गया सो so, ये सुबह आठ मिनट की बेसिकली uh, कवर है सो दो वो एक साल आईने वो सेट टू लेफ्ट ऑफ फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा स्केप कैनमरल आठ चार पेज इंडियन टाइम के ऑन मॉर्निंग बट एस उसी से पहले क्या हुआ इसको अवॉर्ड कर दिया गया है चुनिटी ऑन माइसिक्स फॉर द जेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे कि मैंने आपको बताया बट ड्यू टू द फॉल्टी ऑक्सीजन रिलीव वॉल्व ऑब्जर्वेशन ऑन दूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलेट फाइव रॉकेट तो इस पूरे के पूरे ऑप्शन को जो क्या है अबॉट किया है अभी के लिए हालांकि कोई नई डेट इसके अंदर नहीं की गई है अब क्या सुनीता विलियम्स इसके अंदर अकेले जा रही थी नहीं सुनीता विलियम्स और एक और नासा के एस्ट्रोनॉट जो 61 वन ईयर्स के जब बैरी विलमोर और सुनीता विलियम्स की जो एज है वो उनकी फिफ्टी एट हालांकि पूरा मतलब प्रॉपर ये सीट अबोट कर चुके थे अंदर बैठ चुके थे लेकिन उसके बाद इसको जो है पूरे पूरे मिशन को अबॉट कर दिया गया करेक्ट सो so, ये अगर ये सक्सेसफुल हो जाता अगर आज ये चली जाता ये पूरा का पूरा मिशन तो ये थर्ड स्पेस ट्रेवल होता फॉर द इंडियन ऑरिजन एस्ट्रोनॉट हम सब जानते हैं इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है ये भारत से ताल्लुक रखती है जो ऑलरेडी

अब मिसेज जो मैस जो हमारी विलियम्स हैं वो वेंट ऑन आर फर्स्ट जो पहली बार ये गई थी स्पेस में दैट वाज इन द ईयर एंड द ईयर वाज 2006 जो कि जून 22 2007 तक ये पूरा का पूरा मिशन चला था वाइल ऑन बोर्ड सो शी सोशीब्लिश वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वुमेन बाय गोइंग ऑन फोर स्पेस वॉक्स तो जैसे कि हमने बात की पहले इनके नाम था रिकॉर्ड तीन दिन का साथ ही में चार स्पेस वॉक्स उनतीस आवर्स और सत्रह मिनट का तो ये रिकॉर्ड इनके नाम ऑलरेडी थे अब बात कि यस जो जो बोइंग स्टार लाइनर था वो बेसिकली है क्या स्टार तो लाइनर जो है दिस इज बेसिकली बोइंग आप सब जानते हैं काफी फेमस कंपनी है ये तो उन्हीं का है ये सो दिस इज अ पार्शली री यूजेबल क्रू कैप्सूल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रीयूजेबल वाला जो पॉइंट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियली इसको बोला गया है सी एस टी हंड्रेड क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सो कैप्सूल की जो अगर हम थोड़ा मेजरमेंट देखें तो फाइव मीटर टॉल है फोर पॉइंट सिक्स मीटर वाइड है दो मॉड्यूल्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं एक तो है क्रू मॉड्यूल जिसके अंदर जो है सात एस्ट्रोनॉट्स अंदर आके बैठ सकते हैं

दूसरा जो मॉड्यूल है एक हमने क्रू मॉड्यूल देख लिया दूसरा जो मॉड्यूल है दैट इज द सर्विस मॉड्यूल एंड जो सर्विस मॉड्यूल है ये बेसिकली सप्लाई करता है इसको है इसको कहा जाता पावर हाउस ऑफ द स्पेसक्राफ्ट क्यों बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है थर्मल कंट्रोल एयर वाटर इन स्पेस सब हर चीजों को क्या करता है ये आ, इसकी सप्लाई जारी रखता है एंड ये वाला जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है ये एक्सपेंडेबल है करेक्ट अब बात करें कि मिशन क्या था तो मेन ऑब्जेक्टिव था इस मिशन का कि जो स्टार लाइनर परफॉर्म इन स्पेस विद क्रू ऑन बोर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया बोइंग का ये बोइंग की तरफ से पहला ऐसा मिशन था जो पर्टिकुलरली विद क्रू जा रहा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करेक्ट सो इट्स अपोज टू डॉक विद डे आफ्टर लॉन्च फॉर अराउंड टेन डेज बिफोर इट रिटर्न टू द अर्थ बट बिफोर स्टाराइनर ऑटोमेटिकली डॉक्स विद स्पेस स्टेशन क्रू मेंबर्स नासा एस्ट्रोनॉट्स बैरी विल में सुनीता Manually, लेकिन सभी के लिए तो सारा का सारा नेविगेशन ये सब कुछ हो चुका था एवरीथिंग इज डन बट द प्रॉब्लम इज वॉट अबॉट कर दिया गया बिकॉज प्रॉब्लम आई हमें किसके अंदर सारी टेस्टिंग जो इनको करनी थी ऑल थिंग वॉज डन बट उसके बाद प्रॉब्लम आ गई किसमें की जो हमारा सेकेंड से अब बात ये थी कि हालांकि एक और बहुत अच्छी चीज थी कि हम सब जानते हैं स्पेस स्पेस एक्स एक्स का जो क्रू क्रू है है जब ऑफ कोर्स भेजता तो उसके साथ एक सेकंड ऑल्टरनेटिव मिल जाता है नासा को भी अगर ये सक्सेसफुली चला जाता करेक्ट करीब so सो अभी भी हो सकता है ऑफकोर्स दिस नथिंग चेंज हो सकता है कि ये सक्सेसफुल भी हो जाए नेक्स्ट लॉन्च उस पे धन बट अभी के लिए तो, तो है कोई नई डेट भी इसके लिए नहीं दी गई है ज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग हाँ स्पेस जो स्पेस एक्स के साथ बोइंग का ये जो लाइनर है ये एक सेकेंड ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव बन सकता था करेट सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज और इंटरव्यू हर महीने हमारे बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही वीर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीएसएफ कैट यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेस एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोर्ड जो है वॉरियर टेन आप यूज करना ना भूलें जैसे आप इस कोर्ड को कर यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द टेन परसेंट ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स सो दल फॉर द डे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर जय हिंद अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एस एस बी इंटरव्यू एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं